हेलो दोस्तों, वेलकम माय चैनल द अनबॉक्सिंग वर्ल्ड। तो आज मैं आपके लिए एक अनबॉक्सिंग वीडियो के साथ साथ आपको ये बताने वाला हूँ कि कैच ऐप के थ्रू अगर ऑर्डर करते हैं तो बहुत से लोगों की शिकायत थी कि ऑर्डर का जो टाइम है वो लेट आता है या फिर रिटर्न में कोई दिक्कत आती है। तो उसी लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखें आप, ये चार प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने कैच से ऑर्डर किए थे, जिनमें से तीन प्रोडक्ट आप अगर देखें रिटर्न डिलीवर्ड, मतलब तीन प्रोडक्ट मैं वापस कर चुका हूँ, सिर्फ मैंने एक ही रखा है और मेरा सारा अमाउंट वापस आया है, कभी भी दिक्कत नहीं आई है। तो मैं ये शो कर रहा हूँ, एक बार पहले भी वीडियो शो कर चुका हूँ, तो उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी या वीडियो के एंड में भी आपको वीडियो मिल जाएगी, वो तो आप वो जाकर देख सकते हैं। एंड फिर से मैं आपके लिए एक और वीडियो बना रहा हूँ। ये कैच ऐप के थ्रू ही मैं ऑर्डर करने वाला हूँ। मैंने कैच ऐप डाउनलोड किया था तो आपको वो भी मैं दिखा देता हूँ। एंड माय ऑर्डर्स में आप देख रहे हैं मेरे, तो ये सारी चीज़ें दिखी हुई हैं। देन अब हम ऑर्डर करने वाले हैं कुछ प्रोडक्ट। तो मैंने एक दो ऑर्डर जो है आईडी हैं वो अपने कार्ट में डाल रखे हैं। देखें आप, जैसे कि एक शर्ट है और एक पैंट है जो कि मैंने अपने कार्ट में डाल रखा है। एंड शर्ट 450 का है, पैंट 939 रुपीज का है। तो दोनों मिला के जो अमाउंट बन रहा है विदाउट डिस्काउंट तो 4648 रुपीज़ हो रहा है, बट डिस्काउंट इसमें लग रहा है अच्छा खासा। उसके बाद एक चीज़ आप नोटिस करें, 70 रुपीज़ उसमें लग रहा है डिलीवरी चार्ज। और इन सब में मैंने एक चीज़ ट्राई कर ली है कि 7 डेज का रिटर्न एंड एक्सचेंज पॉलिसी हमें मिल रही है, दोनों में देख लिया है मैंने, उसके बाद मैं ऑर्डर कर रहा हूँ। एंड 70 रुपीज़ जो कन्वीनियंस फीस लगेगी वो मैं अपनी जेब से भरूंगा, बट उससे ये होगा कि आपको उसकी जो है मैं पूरा प्रूफ दे पाऊंगा कि पेमेंट आता है नहीं आता है, कैसा क्या है, तो वो सब चीज़ें बाद में देखते हैं। एंड कपड़े भी ऐसा नहीं है कि बुरे लग रहे हैं, बट कपड़े अच्छे लग रहे हैं। ये मेरा डिलीवरी एड्रेस है जो मैं छुपा लेता हूँ अभी। एंड नीचे आप प्रोडक्ट देखें, दोनों के दोनों प्रोडक्ट हमारे कार्ट में ऐड है। कूपन मैंने ट्राई किया बट कोई भी कूपन अप्लाई नहीं हुआ, तो वो सब चीज़ें छोड़ देते हैं हम। और अभी सीधे हम क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं, नेक्स्ट पे जाते हैं। अभी आप देख सकते हैं कूपन अप्लाई नहीं हो रहा, तो इसके ऑफर पे हम क्लिक कर देंगे। देन आप देखें कि पेमेंट के ऑप्शंस आ चुके हैं यहाँ पर, एंड रेजर पे या फिर स्नैपमेंट या कैश ऑन डिलीवरी, इस तरीके से आप करना चाहेंगे। रेजर पे में ये होता है कि जो ऑनलाइन पेमेंट हमारा होता है वो हो सकता है। एंड आप डेट देखें, जो मैंने डेट बताई अभी 23 अप्रैल को हम ऑर्डर कर रहे हैं। देन देखते हैं कब आता है और कितने दिन में अमाउंट आता है इसका, रिटर्न करेंगे जब, वो सब चीज़ें देखेंगे हम। तो अभी पेमेंट की बात कर लेते हैं। कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हैं, बट कैश ऑन डिलीवरी में क्या होता है कि जब रिफंड करते हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, डिले लगता है। तो स्नैपमेंट के थ्रू आप कर सकते हैं, इसमें ईएमआई बन जाती है, बट मैं ये ऑफर भी, ये वाला ऑप्शन भी आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। तो आप सिंपली क्या करें, आपके कार्ड या यूपीआई के थ्रू ऑर्डर कर सकते हैं। तो ऊपर जो आपको रेजर पे का ऑप्शन दिख रहा है, आप इस पर क्लिक कर दें। इस पर जैसे ही क्लिक कर देंगे उसके बाद कंटिन्यू करना आपको चेकआउट के लिए। देन जैसे ही ये लोड होता है तो ये आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं बहुत सारे, आपको किस चीज़ से पे करना है, कैसे पे करना है, फ़ोन पे, क्रेडिट पे, या फिर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो आप किसी से भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं। तो वो चीज़ मैं जल्दी जल्दी करके आपको दिखा देता हूँ। आप पेमेंट देख सकते हैं कि मैंने पेमेंट किया हुआ है, वॉलेट के थ्रू भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, यूपीआई, सारे ऑप्शन से यहाँ पर आप इजीली कर सकते हैं। तो अगर एयरटेल के वॉलेट से पे करते हैं तो 40 रुपीज़ और ऑफ हो जाएंगे, बट मैं रिटर्न के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैंने कोई ऑफर लिया नहीं है इसमें। तो मैंने सिंपली अपने यूपीआई के थ्रू इसको पे कर दिया है। कार्ड के थ्रू मैं पे करने की सोच रहा था, बट कार्ड का क्या है, डिटेल डालना पड़ता, तो मैंने वो सब छोड़ दिया। अभी मैं आगे आपको दिखाता हूँ कि पेमेंट होने के बाद सक्सेसफुल दिखा देता हूँ कि कैसा क्या होता है। तो दोस्तों, ये मैंने पेमेंट डन कर दिया है अपना, एंड मैं आपको अब इसका पेमेंट कंफर्मेशन दिखा देता हूँ। ओके, तो मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि मैं पहले यूपीआई से कर रहा था, बट मैंने एसबीआई के कार्ड के थ्रू किया है क्योंकि उसमें अभी तक मैंने कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया था। तो सिंपली बस यही ट्रांजेक्शन रहेगा, दिखाने के लिए भी ईजी रहेगा। तो ये सब मैंने एसबीआई के क्रेडिट कार्ड के थ्रू किया है, जिससे मेरा अमाउंट जो है वो भी फंसेगा नहीं और क्रेडिट कार्ड का यूज़ भी हो जाएगा। तो ये सब हमने कर दिया। उसके बाद आप देख सकते हैं, थैंक यू फॉर योर परचेस,
सारा जो ऑर्डर का डिटेल है वो आ चुका है, ऑर्डर नंबर आ चुका है, एंड ऑर्डर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो सब कुछ आ चुके हैं, पूरी डिटेल ऊपर मैसेज वैसे सब कुछ आ चुका है। अभी मैं आपको माय ऑर्डर्स में दिखा भी देता हूँ कि वो शो हो रहा है। देखिए ऑर्डर प्लेस्ड दोनों लिखे हुए आ गए हैं। अब देखते हैं इसकी डिलीवरी डेट जो है वो 30 के आसपास ही हमें बता रहा है। आज 23 हो रही थी तो मैंने आपको डेट बताई दी थी। देन अभी देखते हैं कि प्रोडक्ट आता है, उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो में अलग से बनाऊंगा, उसके साथ रिटर्न की वीडियो भी अलग से बनाऊंगा। तो वीडियो में अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं आपके लिए ही ये वीडियो बना रहा हूँ। अपना रिस्क डाल, अपना जो अमाउंट है वो रिस्क में डाल के आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। प्लीज़ मेरे जो सपोर्ट करें, एंड जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसको भी आप देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे नेक्स्ट वीडियो आएगी तो आप पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे देख पाएंगे, तो आप वो जरूर कर लें। एंड वीडियो में बस यही था, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें। एंड ये सब प्रोडक्ट की और भी वीडियोज डली है कैच की, तो वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। थैंक यू।